इसके अंदर है दुनिया की सबसे हैवी वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल एंड ये है अब तक का सबसे पावरफुल विंडोज लैपटॉप जिसका प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपनी फुटेजेस को इसके अंदर डाल के देख लेते हैं ये चल भी पाएगी या नहीं। Okay, so इसको रेंडर करके देखते हैं। Let's go। अबे यार सचिन ये क्या एरर है इसमें? सारी फाइल तो डाल रखी है इसमें। प्रीमियर प्रो ने हक दिया। अब प्रीमियर प्रो तो कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन ओवर द टाइम विंडोज लैपटॉप काफी इंप्रूव हो चुके हैं एंड अब इनमें कुछ ऐसे फीचर्स भी आते हैं जो मैकबुक में आई डोंट थिंक कभी आएंगे। जैसे इसकी डिस्प्ले जो 360 डिग्री घूम जाती है, इवन टच स्क्रीन भी है एंड इसके साथ ये पेन भी आता है जिससे ड्रॉइंग या स्केचिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अरे इसके डिस्प्ले कलर्स के बारे में तो बताओ। वेल ये है Asus का ऑल न्यू प्रो आर्ट PX13 लैपटॉप जो Asus ने स्पेशली हमारे जैसे क्रिएटर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। ये बेसिकली एक 13 इंच का कन्वर्टिबल AI रेडी लैपटॉप है जिसमें टॉप क्लास प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड एंड डिस्प्ले मिलता है, वो भी इतनी कॉम्पैक्ट एंड स्टाइलिश बॉडी में। इसको ऑन द गो हम ट्रैवल करते टाइम कहीं भी यूज कर सकते हैं। Asus ने इसको इतना ड्यूरेबल बनाया कि ये किसी भी एनवायरनमेंट में परफेक्टली काम कर सकता है। इसके ग्लास टच पैड में Asus डायल मिलता है जो कि फुली कस्टमाइजेबल है। जैसे अभी मैं होम स्क्रीन पे हूं तो इस डायल से मैं वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस को इजिली कंट्रोल कर सकता हूं। प्रीमियर प्रो चलाते हुए इसमें टाइमलाइन के कंट्रोल्स आ जाते हैं एंड फोटोशॉप चलाते हुए इसमें ब्रशेज के कंट्रोल आ जाते हैं। मतलब ये हर ऐप के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। अरे डिस्प्ले के बारे में तो बताओ। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसमें बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं। इसके राइट साइड में पावर बटन के साथ माइक्रो एसडी कार्ड, यूएसबी एंड एक टाइप सी यूएसबी 4 पोर्ट मिलता है जो 40 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। लेफ्ट साइड में हेडफोन जैक के साथ एक और टाइप सी पोर्ट, फुल साइज HDMI एंड चार्जिंग पोर्ट मिलता है। लैपटॉप में ये सारे पोर्ट्स का होना कितना जरूरी है किसी मैकबुक वाले से पूछो। ओके, रेंडर करने से पहले ना पूरी वीडियो का डेटा इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट 140 GB का है और इसी बहाने इसके यूएसबी 4 पोर्ट की स्पीड भी टेस्ट हुई। डेटा कॉपी करने का नया तरीका दिखाता हूं। ये देखो, इसको होल्ड किया एंड ड्रॉप कॉपी हियर, मतलब ऑलमोस्ट 150 GB की फाइल ये सिर्फ 3 मिनट में ट्रांसफर कर लेगा। लेट्स सी इसको एक्चुअल टाइम कितना लगता है। ये 3 मिनट दिखा रहा था और ऑलमोस्ट 2 मिनट में सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया। एंड वैसे स्पीड आपकी SSD पे डिपेंड करता है कि आपकी SSD कितनी स्पीड में डेटा ट्रांसफर कर सकती है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो उसने पूरी यूज कर ली। डिस्प्ले रह गया। काम करो, तुम बना लो वीडियो। हद है यार, बीच में टोक रहे। मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं बता दूंगा। सारा फ्लो तोड़ दिया वीडियो का। बंद करो भाई, बंद करो वीडियो भाई। यार जाओ कॉफी लेके आओ यार, दिमाग खराब हो गया। ब्लैक या दूध वाली? ब्लैक। अच्छा, वो शुगर या विदाउट शुगर? अरे कुछ भी दे दे यार। इसका डिस्प्ले सच में बहुत अच्छा है। मतलब ये 13.3 इंच का 3K OLED पैनल है। इसमें सब कुछ बहुत ही शार्प दिखता है और इसके कलर्स भी एक्यूरेट है, 100% DCI-P3। ऑल्सो इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बहुत सही है, 1:1 का। इसका डिस्प्ले पैंटोन वेल लिटेड एंड वैसा सर्टिफाइड है। देखो इसमें HDR वीडियो कितनी सही दिख रही है, क्योंकि ये एक OLED डिस्प्ले है तो वीडियो में ब्लैक पार्ट बिल्कुल पिच ब्लैक ही शो हो रहा है। टच स्क्रीन आ गई। और हाँ, ये डिस्प्ले टच स्क्रीन भी है एंड इसके साथ ये स्टाइलस भी मिलता है जो टाइप सी से चार्ज हो जाता है और इसके लिए अलग अलग अटैचमेंट्स भी मिलती है जिससे ड्राइंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, सो डेटा ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं आपको अपनी वीडियो की टाइमलाइन दिखाता हूँ। ये देखो, ये ना ऑलमोस्ट 12 मिनट की टाइमलाइन है। इसमें आईफोन की फुटेजेस भी है, इसमें कैनन की सी लॉग फुटेजेस भी है 4K 30 FPS वाली। इसमें फोटोशॉप की भी फाइल्स हैं एंड इवन इसमें काफी सारी चीजें हमने आफ्टर इफेक्ट से भी की है। ये देखो, नॉर्मल ना हमारे एक वीडियो की टाइमलाइन ऐसी रहती है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। इसे हमने कलर ग्रेडिंग भी कर रखी है, ऑडियो की बहुत सारी लेयर्स हैं, वीडियो की भी बहुत सारी लेयर्स हैं। इन शॉर्ट ये एक बहुत हैवी प्रोजेक्ट है एंड नॉर्मली हमारी यूट्यूब वीडियो की फाइल्स ना इतनी हैवी रहती है। इस 12 मिनट की यूट्यूब वीडियो को रेंडर करने में ऑलमोस्ट 30 मिनट लगते हैं। लेट्स सी इसमें ये कितना फास्ट होता है। कंट्रोल एम करते हैं एंड इसको रेंडर करते हैं। ओके, एक्सपोर्ट। लेट्स सी ये कितना टाइम लेता है। ओके, ये सिर्फ 5 मिनट दिखा रहा है। लेट्स सी एक्चुअल रेंडर टाइम क्या रहता है। रेंडरिंग चलते हुए इसके फैंस काफी तेज चल रहे हैं एंड बहुत ही फास्ट रेंडर हो रहे हैं इसमें। मैं साथ में ना फोटोशॉप चलाता हूं एंड लेट्स सी ये लैग होता है या फिर नहीं। ये मेरी एक फोटो है, लेट्स सी ये स्मूथली चल पाता है नहीं। कैमरा ऑफ बोलते हैं एंड जस्ट इमेजिन मैं इसमें कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, सही, आई थिंक इसमें मुझे कोई भी लैग नहीं दिख रहा। साथ में ना क्रोम भी खोल लेते हैं क्योंकि क्रोम काफ़ी लोड लेता है एंड इस पर एक यूट्यूब वीडियो और चला लेते हैं। तो सपोज हमने हनी सिंह का नया गाना चला दिया। सही है यार, सब कुछ सही चल रहा है एंड यहाँ पे देखो अभी भी रेंडरिंग भी हो ही रही है। मतलब इस लैपटॉप में रेंडरिंग करते करते मैं और भी अपने काफी सारे काम कर सकता हूँ एंड ये सब इसकी रैम की वजह से पॉसिबल है क्योंकि इसमें 24 GB की LPDDR5X रैम मिलती है जो मल्टीटास्किंग को इजीली हैंडल कर सकता है।
ओके, हमारा रेंडर हो चुका है कंप्लीट एंड ये ऑलमोस्ट 28 मिनट में हो चुका है, पूरी वीडियो इसने रेंडर कर दी है। इसके इतने फास्ट होने का रीजन है इसका सीपीयू एंड जीपीयू। इसमें एएमडी का लेटेस्ट राइजन एआई 9 365 प्रोसेसर मिलता है विद 6 GB एनवीडिया G4 RTX 4050 ग्राफिक कार्ड। एंड ये एआई प्रोसेसर है तो इसके साथ एक डेडिकेटेड एनपीयू चिप मिलती है जो 50 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है पर सेकंड। अब इसका रियल लाइफ यूज तब दिखेगा जब आपको फोटोशॉप में कुछ एआई से जनरेट करवाना या किसी भी ऐप में कोई भी एआई रिलेटेड टास्क करना हो। तो मेरे पास ना एक फोटो मेरी फोटोशॉप के अंदर, इसमें कुछ जनरेटिव फिल करते हैं, बैकग्राउंड में जो कार्स दिख रही है इनको हटाते हैं, ठीक है, जस्ट ये जो कार है इनको हटाते हैं एंड लेट्स सी कितनी फास्ट जनरेट करता है। और काफ़ी फास्ट है, देखो कितनी जल्दी इसने यहाँ पे गाड़ियाँ हटा दी एंड हमें 3 ऑप्शन भी दे दिए। अभी कुछ और जनरेट करते हैं, ये काफ़ी फास्ट इसमें हो रहा है वरना विंडो पीसी में बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में। तो इस तरीके के एआई वाले टास्क में ना एनपीयू सीपीयू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एंड काम बहुत फास्ट हो जाता है। वैसे क्रिएटर्स के लिए इस लैपटॉप के साथ अभी एडोबी का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है एंड अगर आप कैपकट पीसी यूज़ करते हो तो 6 महीने का कैपकट पीसी भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है।